ये जो कथा है, ये कथा प्रयास का विषय नहीं है, कथा प्रसाद का विषय है। ये कथा आपको जो मिली है, ये प्रयास से नहीं मिली है, ये प्रसाद से मिली है। प्रसाद से जो प्राप्त होता है वो भगवान की उसमें संपूर्ण कृपा मिली होती है। बताइए, प्रसाद का इतना महत्व क्या हो, क्यों है? एक दो चनोरी लेने के लिए हम पूरी भीड़ से लड़ भिड़ करके पंडित जी के पास जाते, कैसे भी प्रसाद मिल जाए। क्या दो चनोरी आप बाजार से नहीं खरीद सकते? एक मिठाई पाने के लिए बिहारी जी में लड़ जाएंगे, लेकिन प्रसाद हाथ में लेंगे? बात ये नहीं है कि वो मीठा है, वो खाने की चीज़ हम बाहर नहीं खरीद सकते, पर हमें पता है कि वो प्रसाद है, वो श्री ठाकुर जी का अधरामृत है। प्रसाद की वस्तु कृपा से मिलती है, इसलिए ये कथा भगवत लीला गुणानुवाद ये प्रयास से नहीं मिलती है, ये भगवान के प्रसाद से मिलती है।